Educational provisions, it means that uh, we, how can we provide uh, educational assistance to children to overcome their individual differences? Because uh, it is not possible for a teacher to, you know, uh, accommodate all children in the class. If he or he has uh, 50, 60, 70, 80 students, then how can we consider the individual differences in the class? दैट इज़ अ क्वेश्चन That इज़ अ चैलेंज फॉर अ टीचर तो अब उसमें ओवरऑल एक टीचर जो है वो एक मैनेजमेंट प्लान कर सकती है कि उसने चूँकि सारी क्लास को साथ लेके चलना है तो किस तरीके से जो है वो बच्चों को आ, इस तरह हैंडल किया जाए कि कोई भी बच्चा इग्नोर ना हो और सारे बच्चों को इक्वल अटेंशन भी मिले और बच्चों को जो आपका लेक्चर है वो भी समझ आना चाहिए पहली वाली सीट्स पर बैठने वाले दरमियान वाली सीट पर बैठने वाले और एंड पे जो बैठे हुए बच्चे हैं अब उसमें सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि टीचर की आवाज़ जो है वो पूरे सारी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए क्लैरिटी होनी चाहिए जो वो पढ़ा रही है आसान मिसालों के साथ हमेशा हजूर सल्ला वम का जो तरीका तालीम था वो हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ समझाते थे तो आज के टीचर को प्रोविजंस जो करनी है उसने एजुकेशन की तो अगर वो एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएगी तो कम जहानत वाला बच्चा भी उसकी बात समझ जाएगा और एवरेज इंटेलिजेंस वाला बच्चा भी उसकी बात समझ जाएगा तो उसको किताब से वर्ड टू वर्ड पढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि एवरीडे एग्जांपल्स जो हैं ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बहुत इम्प्रूव करती हैं जैसे हज़ू सल वसलम का मैं अभी जिक्र कर रही थी तो उन्होंने एक दफ़ा नमाज के बारे में बताया कि नमाज जो है ये इतनी ज़रूरी है ये आपके गुनाहों को इस तरह से मिटाती है जैसे पास ही एक दरख्त था उसके सूखे पत्ते थे तो हज़ूर सल्ला वल्लम ने उस दरख्त को हिलाया और कहा कि जिस तरह ये सूखे पत्ते जो हैं झड़ गए हैं इस तरह तुम्हारे गुनाह झड़ जाते हैं जब तुम नमाज़ पढ़ते हो तो ये इतनी अच्छी एक मॉडल और एक एग्ज़ाम्पल थी कि जिसको देखने से जो है इंसान के अंदर मोटिवेशन पैदा होती है इसी तरह टीचर को अपने हर कॉन्सेप्ट के साथ एवरीडे एग्जांपल्स जो हैं वो बच्चों को दे के समझाना चाहिए उससे बच्चों की क्लैरिटी आती है अब जाए आप मुश्किल लफ्ज़ अदा करें मुश्किल सेंटेंसेस आप बयान करें और रीडिंग uh, और वर्ड टू वर्ड पढ़ा के उसके बाद बच्चों से कहें कि आप याद करके आएँ तो मुझे बताइए उसमें बच्चों की थिंकिंग कहाँ है थिंकिंग तो कहीं नहीं नज़र आती थिंकिंग तो आती है जब आप पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन करते हैं और उनको चैलेंज क्वेश्चन एक चैलेंजिंग चीज़ होनी चाहिए जिसमें बच्चे सोचें आजकल के बच्चों के पास मीडिया है और उनके पास बड़ी एक्सेस है तो उनके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें पता ये चलता है कि टीचर जो है इस टाइम पे हमें गलत पढ़ा रहा है या सही पढ़ा रहा है तो टीचर्स को भी इक्विप्ड होना चाहिए लेटेस्ट uh, टेक्नोलॉजी के साथ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ पहली चीज़ तो ये है उसके बाद प्रॉपर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल पोटेंशियल्स यानी पोटेंशियल क्या है कि मेरी क्लास में एवरेज बच्चा बैठा हुआ है मेरी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट भी बच्चे हैं कितने हैं टीचर को पता होना चाहिए और कम जहानत वाले या स्लो लर्नर्स कितने हैं ये भी टीचर को पता होना चाहिए अच्छा अब जो इस माम इस वक्त मैं एक एटीट्यूड बताना चाहती हूँ कि एक जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हर बच्चा दूसरे से मुख्तलफ है अब कुछ बच्चे पिछले बेंच पे बैठना पसंद करते हैं कुछ अगले बेंच पे बैठना पसंद करते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले बेंचेस पे बैठने वाले बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल एंड वाई एम आई एम टेलिंग दिस बिकॉज जीनियस चिल्ड्रन दे दे नीड ऑलवेज द न्यू न्यूनेस समथिंग न्यू जब वो बोर होते हैं क्लास में तो वो पीछे वाले बेंच पे जाके बैठते हैं क्योंकि आप रूटीन का एक लेक्चर है दे डोंट वॉन्ट टू यू नो स्टडी दिस लेक्चर तो हम हमेशा पीछे वाले बेंच पे बैठने वाले बच्चों को इग्नोर करते हैं या फिर उनको डांटते रहते हैं या फिर उनको कहते हैं आगे आगे बैठें आप टीचर को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि पीछे वाले बेंच पे या तो रोज़ एक ही बच्चे आके बैठते हैं या फिर वो लेट आए हैं तो वो पीछे बैठ गए हैं तो ये रीज़न्स भी उसको पता होनी चाहिए उसको अपने बच्चों के पोटेंशियल का पता होना चाहिए कि मेरे पास ए ग्रेडर्स कितने हैं बी ग्रेडर्स कितने हैं एफ़ वाले कितने हैं सी ग्रेडर्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी मैथडोलॉजी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि उनकी एबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ इंटरेस्ट एप्टीट्यूड हो गया अब हम हर एक बच्चे के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के मुताबिक तो नहीं अपना लेक्चर दे सकते लेकिन अब एक बैलेंस अप्रोच के साथ एक टीचर को अपना लेक्चर मैंने बताया एक टिप मैंने अभी दी थी कि अब अगर टीचर अपने एवरीडे एग्ज़ाम्पल्स को शामिल कर लेगी तो उससे हर बच्चे को समझ आएगी कि वो क्या कहना चाह रही है मिसाल के तौर पर डिसिप्लिन है या शॉपिंग है एक टॉपिक है जिसको एक टीचर पढ़ा रही है तो अब शॉपिंग वो पूछने उसको चाहिए कि हर बच्चे को शॉपिंग के बारे में पता होगा चाहे बच्चा एक ट्रॉफ़ी क्यों नहीं ख़रीदता उस वो भी शॉपिंग है तो अब आग अगर सवाल बच्चों से पूछना शुरू करें वट इज़ शॉपिंग बजाय ये कि आप कोर्स की बुक से पढ़ाएँ या आप खुद बताएँ तो यकीन करें आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आएगी और द चिल्ड्रन यू नो विल टेक इंटरेस्ट इन टू योर आर टीचिंग बिकॉज यू आर आस्किंग फ्राम द चिल्ड्रन यू आर एक्चुअली गिविंग दैम द अपर्चुनिटी टू पार्टिसपेट इन द क्लास दैट्स वाई द लेक्चर वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग तो छोटे से ले कर बड़ा हमारे हम भी अपनी एज में अगर हम किसी ट्रेनिंग सेशन में जाएँ तो हमें वही वाला सेशन अच्छा लगता है जिसमें इंटरेस्ट हो जिसमें हमारी पार्टिसिपेशन हो या जिसमें एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताया जा रहा हो तो जब आप एग्जाम्पल नहीं बताते तो एक जो हार्ड कॉन्सेप्ट है उसको याद करना क्या उसको तो रटा ही लगाना है आप शॉपिंग के बच्चे को कहें कि ऐसे लिखो तो वो तो रटा लगाएगा बुक से अगर आप शॉपिंग के क्वेश्चंस बच्चों से पूछें किस तरह पूछ सकते हैं आप एक डिस्कोर्स जिसको हम कहते हैं आप बच्चों से पूछिए शॉपिंग के बारे में आप जानते हैं वो आपको बताएंगे शॉपिंग क्यों करते हैं वो आपको बताएंगे शॉपिंग कहाँ से करते हैं वो आपको बताएंगे आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं कि खुद शॉपिंग पर जाते हैं वो आपको बताएंगे इसके बाद बड़े स्टोर से करते हैं कि छोटे स्टोर से करते हैं क्यों बड़े स्टोर से करते हैं क्यों छोटे स्टोर से करते हैं ये वो वाले प्रॉबिंग क्वेश्चंस हैं जो आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग बनाएंगे और हर एक बच्चे की एक्सेस होगी कि ही विल और शी विल अंडरस्टैंड योर लेक्चर दिस इज़ द प्रोविजन फ्रॉम द टीचर दैट शी कैन और ही कैन यूज़ द मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग टू टीच चिल्ड्रन छोटे हों या बड़े हों ये क्वेश्चनिंग और एग्जाम्पल्स जो हैं ये सबके के लिए एक जैसी अच्छी होती हैं तो हेल्प फ्रॉम इंटेलिजेंस टेस्ट अच्छा ये एक एक चीज़ जो है कि हम बच्चे की पोटेंशियल्स के बारे में कैसे पता चला सकते हैं तो उसके लिए कुछ टेस्ट हैं जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है क्यूमलेटिव रिकॉर्ड कार्ड है कि इसकी ओवरऑल पीछे परफॉर्मेंस क्या थी इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज आप यूज़ कर सकते हैं एटीट्यूड स्केल्स हैं एप्टीट्यूड टेस्ट हैं और ये सारे ऐसे टेस्ट हैं जिससे बच्चे के एप्टीट्यूड एटीट्यूड और उसकी इंटेलिजेंस का पता चलाया जा सकता है अगर साइंटिफिक वे से हमने पता चलाना है अदरवाइज़ टीचर अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ भी अपने बच्चों और उनके रिकॉर्ड एकेडमिक रिकॉर्ड से भी बच्चों के बारे में जान सकती है और उसके मुताबिक अपना लेक्चर प्लान कर सकती है